तो ये मीडिया की मैं बताता हूँ, नहीं नहीं मैं बताता हूँ, उन्होंने स्वीकार किया था। ऑल पार्टी मीटिंग अटल जी ने बुलाई थी, ऑल पार्टी मीटिंग ने भी 300 पैसेंजर जो है उनका कंसर्न बताया था और सबने कहा था कि ऐसी स्थिति में हमारे नागरिकों को बचाना चाहिए। तीसरी बात है, ये विमान उस जगह पर था जो टोटली होस्टाइल लैंड था, तालिबान था, लेकिन 300 लोगों की जान, सामान्य नागरिकों की जान बचाने के लिए किया गया है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि एक इस देश का होम मिनिस्टर मिस्टर मुफ्ती सैयद, उसकी बेटी को बचाने के लिए इस देश में 6 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था। इस देश का दुर्भाग्य है कि चरारे शरीफ के अंदर सारे जो आतंकवादी थे उनको चिकन बिरयानी का भोजन दिया जाता था और चरारे शरीफ को बचाने के लिए उन आतंकवादियों को भागने के लिए रास्ता दिया गया था, ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से रास्ता दिया गया था। और इसलिए उस अर्थ में कंधार की चर्चा करना उचित नहीं होगा। कंधार देश के 300 से अधिक नागरिकों की जिंदगी का सवाल था, सामान्य मानवीय की जिंदगी का सवाल था, और तब जाकर के उस हालात में और जबकि ऑल पार्टी मीटिंग को विश्वास में लेकर के देश की सरकार ने काम किया था। और इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारा व्यू डिफरेंट टाइप का है, ये कहना उचित नहीं होगा। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ ये आतंकवाद टेररिज्म इज अ प्रॉक्सी वॉर, इस प्रॉक्सी वॉर को लड़ने के लिए लड़ाई है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, कभी एक बार वो घा करेंगे, लेकिन क्या लड़ने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हम असहाय बैठेंगे? पिछले 5 साल से लगातार देश में आतंकवाद की घटनाएं हो रही है, कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, और मैंने पकड़ा है तो मुसीबत आएगी आएगी, क्या है, क्या डरते रहेंगे क्या? पर जो छोड़ने भी मंत्री तो गया टेररिस्ट को, वो लेने गए थे, माइंड वेल दे लेने गए थे, वे हमारे देश के वो इतना बड़ा जहाज लेकर के गए थे, सारे पैसेंजरों को लेने लाने के लिए गए थे और एक जिम्मेवारी के साथ गए थे उन सभी लोगों को सुरक्षित लाने के लिए। सो कंधार वाजंट अ मिस्टेक, कंधार एक ऐसी सिचुएशन थी उस समय की सरकार को, उसके सिवाय कोई रास्ता किसी ने सुझाया नहीं था, देश के विपक्ष को भी पूछा गया था। आम आदमी द कॉमन मैन टुडे इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल, हाउ डू यू वांट टू इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इनटू हिम दैट ही इज सेफ इन दिस कंट्री, एटलीस्ट इन योर स्टेट? जिस प्रकार का माहौल है यहाँ के कॉमन मैन को ये विश्वास है कि ये सरकार है तब तक हमको कोई चिंता नहीं है। पर आपकी सरकार होते हुए यहाँ 17 बॉम्ब मिलते हैं, 22 बॉम्ब मिलते हैं, पेड़ से बॉम्ब मिलते हैं, वो कैसे महफूज है? यही तो उनको विश्वास है कि ये खोज के निकालते हैं, उनको यही भरोसा है कि इनके रहते हुए खोज करके निकलते हैं। पर ये कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क का रिजल्ट नहीं है, दीज वर जस्ट फाउंड बाय स्वीपर्स ऑन द रोड, दैट्स नॉट द इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑफ अ स्टेट फाइटिंग अगेंस्ट टेरर। मैं तो चाहता हूं मेरे 5.5 करोड़ गुजराती सब लोग इतने जागरूक बने, मैं तो यही चाहता हूं, क्योंकि टेररिस्टों ने तय किया इस देश को तबाह करना, तो हमने तय करना चाहिए टेररिस्टों को विफल करना। Mr. Modi, there has been often an association that when you talk about terrorism, you also talk about a community, because a community is targeting the people of this country. When Sabarkantha happens, it's a Muslim-dominated area where a bomb goes off. How do you explain that? There is a, my higher authority team is there. Investigation is going on. Let the investigation reports come. I will wait for that. But what is your first report? As the Chief Minister, you would have got the preliminary inquiries. During inquiry, I never try to give any comment. But the normal... Professionally, let the police officer do their work. I am against terrorism. I have never mentioned any community. Never. Who are there in Naxalites? Are you going to blame any particular community for Naxalism? Mr. Modi, let's draw your attention to the next very politically sensitive topic, which is the Nanavati report. Tabled in the Gujarat Assembly last week, says no blame comes on your government, talks about in only the part one where the incident on Sabarmati Express fire is discussed, but also gives you a clean chit for the Godhra riots almost in passing. Is this some image makeover and is the report being used for that? अच्छा सवाल आपने पूछा है, ये जरा सेंसिटिव सवाल नहीं है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं मानता हूं देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए। नानावटी कमीशन है क्या? जब गुजरात में 2002 की घटनाएं घटी तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाने का निर्णय किया और संविधान के तहत किया,
कमीशन बनाने का निर्णय किया और मैंने भारत के सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जवाब दिया। हमने कहा था दो चीजें, एक हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी थी, एक सुप्रीम कोर्ट को लिखी। हमने कहा किसी सिटिंग जज को आप इंक्वायरी दीजिए, तो उनका कहना आया भी सिटिंग जज इज नॉट पॉसिबल, हम स्पायर नहीं कर सकते। देन हम एग्री हुए कि आप रिटायर्ड जज को दीजिए। मिस्टर नानावटी का नाम न मेरी सरकार ने सजेस्ट किया है, न मैंने सजेस्ट किया है, ये भारत की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस हमें चिट्ठी लेकर के बताया कि 100% हम तय करते हैं, आप उनको कमीशन का बनाइए। उसी प्रकार से मिस्टर शाह के लिए गुजरात हाईकोर्ट की चिट्ठी है मेरे पास, उन्होंने कहा तो कमीशन सिलेक्शन ऑफ द जजेज वॉज बाय सुप्रीम कोर्ट एंड गुजरात हाईकोर्ट, दैट इज नंबर वन। 6 साल कमीशन ने काम किया, 43,000 रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां अपनी बात रखी है 6 साल होने के। क्रॉस इंट्रोडक्शन पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि किसी इस प्रकार के कमीशन में क्रॉस चेकिंग के लिए, क्रॉस इंट्रोगेशन के लिए एडवोकेट को सुविधा दी गई है। यानी एक व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ बोलता है तो उसके विपक्ष वाला वकील है, कोर्ट की तरह उससे क्वेश्चन आंसर करता है, दैट इज नोटेड। तो एक क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ ये पहली बार देश में कमीशन ने काम किया है। तीसरी बात है, गुजरात के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद ने कहा है कि ये जिसको उन्होंने नानावटी कमीशन ने पेज 34 पर उसको कोट किया है, उन्होंने कहा ये कमीशन सत्य बाहर लाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और उन्होंने कहा ये घटना जो घटी है वो अचानक नहीं हो सकती, गोधरा की घटना ये षड्यंत्र ही हो सकता है और षड्यंत्र खोज करके लाना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का है। 43,000 लोग आए हैं, कांग्रेस पार्टी आई है, कांग्रेस पार्टी के सारे एडवोकेट परमानेंट इस काम को करते थे, लेकिन नॉट अ सिंगल एलिगेशन अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, नॉट अ सिंगल लेटर इज देयर अगेंस्ट नरेंद्र मोदी इन 43,000। इवन दोज हु आर सिंस, बट मेनी पीपल से दिस इज आउट ऑफ फियर साइकोसिस। अरे बट इज देयर एनी फियर टू त्रिशला सेतलवाट? शी कैन डू राइट अ लेटर टू द नानावटी कमीशन एंड व्हाई दे डिड नॉट, जस्ट दे वर कैंपेनिंग अगेंस्ट मी, वाज इट नॉट दैट ड्यूटी टू गिव अ डिटेल FIR अगेंस्ट मी इन द नानावटी कमीशन? बट मिस्टर मोदी, द बेसिक क्वेश्चन, so fear psychosis is not a question, and if these people are taking this up and on TV camera the way in which they are talking,